गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड हाफ ईयरली एग्जाम रिवीजन वर्क। ओके, वीडियो वी विल अंडरस्टैंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस इन डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प करता है स्पेसिफिक वर्क को करने में। ठीक है, फिर सेकंड है बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। बिल गेट्स जो है फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के। ठीक है, फिर थर्ड है स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। स्टार्ट बटन जो है लोकेट करता है यानी टास्क बार के कॉर्नर पर। फिर विंडोज 7 इज बेस्ड ऑन द अक्टूबर 2009। विंडोज 7 किस पर बेस्ड है? अक्टूबर 2009 पर। फिर लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ स्टेट लाइन्स। लाइन टूल का यूज़ हम स्टेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर 6 है टेक्स्ट पेंट इज अ ड्रॉइंग सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट पेंट क्या है? एक ड्रॉइंग सॉफ्टवेयर है। फिर पेंट टूल इज सिमिलर टू द ब्रूस टूल इन एमएस पेंट। यानी एमएस पेंट पर जो पेंट टूल है वो किसके सिमिलर है? ब्रूस टूल के सिमिलर है। ठीक है, फिर द स्टोरेज डिवाइस, द डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। क्या है? जो डिवाइस हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो स्मॉल बटन होती है कीबोर्ड पर उसे हम कीज़ कहते हैं। ठीक है, फिर 10th है एमएस वर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर। एमएस वर्ड का यूज़ हम लेटर टाइप करने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर GIGO मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, फिर 12th है ऑल द पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। वे सभी पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।